वेलकम टू फ्रंटियर आईएएस कोचिंग क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा डूडी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नई यूनिट जो है एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रीलिम्स में और साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों पेपर में हमें इससे क्वेश्चन मिलते हैं। अगर हम केवल प्रीलिम्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/3 पेपर जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पार्ट से आता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ। और इसमें से कुछ पार्ट हमें ऐसा भी मिलेगा जो ज्योग्राफी के साथ ओवरलैप करता है, मतलब कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जो हम एनवायरनमेंट में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। तो इस हिसाब से हमारे दोनों ही टॉपिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर हम डे बाय डे ये पढ़ते हैं। तो इसे हमने बहुत छोटे छोटे यूनिट्स में क्लासिफाई किया है जिसमें आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी। ये इकोलॉजी का पार्ट फर्स्ट है, हम इसके अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे इसे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं इकोलॉजी, जो हमारे चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या है। तो अगर हम इसे इंग्लिश में देखें इकोलॉजी, तो इसमें दो वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, एक है ओइकोस और दूसरा है लोगो। ओइकोस का मतलब होता है घर या स्थान और लोगोस का मतलब है अध्ययन। तो अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन कर दें तो क्या मतलब निकल के आता है कि घर का अध्ययन, घर के बारे में अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो क्या हुआ, इकोलॉजी और पारिस्थितिकी, जो हम उसे हिंदी में कहेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक डेफिनेशन निकल के आती है, जो ये है कि जीवों के एक दूसरे तथा उनके पर्यावरण के साथ जो संबंध है उसका अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो वो पारिस्थितिकी कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लैनेट है अर्थ, यहाँ पे एक ही ह्यूमन बीइंग है और एक ही पौधा है कोई भी, इन दोनों का जो आपस में इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन उसे हम कहेंगे इंटरैक्शन एमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इन दोनों का जो अपने पर्यावरण के साथ में इंटरैक्शन होगा वो हो जाएगा विद देयर एनवायरनमेंट, और इसको अगर हम एक साथ स्टडी करते हैं तो दैट इज इकोलॉजी। अब इसका इतिहास क्या है, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी। अगर हम बात करें हमारे वेद, हमारे संहिता, ब्राह्मण और आर्यनक उपनिषद जैसे कुछ ये ग्रंथ हैं, इन सब के अंदर हमें अवधारणाएं मिलती हैं, कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं इकोलॉजी के बारे में। इसके अलावा अगर और देखा जाए तो हमारे पास संहिता है, संहिता में एक की बात करी गई है यहाँ पे, चरक संहिता। चरक संहिता है एक किताब है जिसमें आयुर्वेदा के बारे में बताया गया है, आयुर्वेदा विच इज द ट्रेडिशनल मेडिसिन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और हमारे पास संहिता है, वो है सुश्रुता संहिता। सुश्रुता संहिता में बताया गया है अबाउट मेडिसिन एंड सर्जरी। सो ये दो बुक्स हैं हमारे पास, इन दोनों बुक्स के अंदर भी हमें इकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे एक चीज जो यहाँ दी गई है दैट हवा, भूमि, पानी और ऋतु, ये सब जीवन के लिए जरूरी हैं, दे आर ऑल एसेंशियल फॉर लाइफ। अब वातावरण की बात कर लें, व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो कोई भी जीवित या फिर अजैविक, निर्जीव, मतलब को वे सभी जीवित और निर्जीव चीजें जो किसी भी जीव को प्रभावित करती हैं, विच एफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म, वो सब मिलकर के एनवायरनमेंट बनाती हैं। अब है ऑल ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेटली डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, एनर्जी एक्सेट्रा। कोई भी एक जीव जंतु है वो किसी दूसरे जीव जंतु पे जरूर डिपेंड करेगा, या तो भोजन के लिए या ऊर्जा के लिए या किसी भी और चीज के लिए, बट ये इट इज मैंडेटरी दैट इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन, कि वो हमेशा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड जरूर करेगा, चाहे वो पौधा हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ भी हो। फिर आगे बात करें, पर्यावरण जैविक और अजैव दोनों तत्वों से बना हुआ होता है। अगर हम हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को देखते हैं तो उसमें हमें लिविंग, मतलब जीवित और निर्जीव दोनों तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बात करें, यहाँ हमारे पास एक टेबल है जैविक कारक और अजैविक कारकों की। तो अजैविक कारक हमारे पास कौन कौन से हैं, ऊर्जा किसी भी स्रोत से मिल सकती है हमें, जैसे सन हो सकता है, विंड एनर्जी हो सकती है, किसी भी तरह से हो सकती है। फिर है विकिरण, विकिरण मतलब रेडिएशन, रेडिएशन जैसे हम बात करें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की, इंफ्रारेड रेडिएशन की, ये सब भी अजैविक कारक हैं। फिर आता है तापमान, पानी, वायुमंडलीय गैसें, बहुत सारी गैसें हैं जो हमारे एटमोसफियर में प्रेजेंट हैं, जैसे बात करें CO2 प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है,
ये तो बहुत कॉमन गैसेस हैं, इन सब के अलावा और भी बहुत सारी गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं, वो सारी भी अजैविक कारक में इंक्लूड होती हैं। फिर आता है आग, फायर, फिर मिट्टी और स्थलाकृति मीन्स इट्स टॉपोग्राफी। फिर हमारे पास है कुछ जैविक कारक जिनमें लाइफ प्रेजेंट होती है, दे आर जैविक और लिविंग, जैसे कि पौधे हो गए, अपघटक, अपघटक मतलब डीकम्पोजर, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट को किसी और पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, विच इज़ यूजफुल, और उसको न्यूट्रिएंट साइकिल में हम काम में ले सकते हैं, दोज आर नोन एज द अपघटक। फिर आते हैं परजीवी, परजीवी का मतलब ही यही है, परजीवी, पर मतलब कोई और जीवी मतलब कोई, मतलब दूसरा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो, तो ये हमेशा किसी अन्य जीव पर डिपेंड करेंगे फॉर बोथ देयर फूड और वाटर रिक्वायरमेंट, और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं सब के लिए वो किसी और जीव पर डिपेंड करते हैं। फिर आते हैं सहजीवी, ये दो ऐसे जीव होते हैं जो हमेशा आसपास ही रहते हैं और इनके जीवन के लिए इनका जो दूसरा जीव है, सहजीव है, उसकी आवश्यकता होती है, इन्हें पशु, ये सब मिलकर के बनाते हैं हमारे जैविक कारक। तो ये हुए हमारे कुछ अजैविक और जैविक कारकों के एग्जाम्पल। अब हम बात करें इन्हीं की आगे डिटेल में, हम अब हमें इंटरेस्ट है, हम जानना चाहते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया कि एक मछली है जो एक तालाब में प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक बाहरी वातावरण मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और दूसरा हो गया अंदर का वातावरण जो मछली के अंदर है, दैट इज़ द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक तालाब है, इसमें ये हमारी मछली है, ओके, ये मछली हो गई। अब हम बात करते हैं सबसे पहले अजैविक कारक कौन कौन से हैं जो इसे अफेक्ट करें। तो सबसे पहले हम बात करें ये पानी में रह रही है, तो पानी हो जाएगा। उसके बाद बात करें कि सारे जो अर्थ है उसके लिए जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो हमारा सन है, सन से सनलाइट्स हैं वो हर जगह पहुंच ही रही हैं, तो दूसरी हो गई हमारे पास प्रकाश या सनलाइट जो कुछ भी। फिर उसकी वजह से कुछ तापमान भी होगा, ये ठंडा पानी भी हो सकता है और कुछ इसका टेम्परेचर होगा, तो फिर तापमान हो गया। फिर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर जिनको ये फिश यूटिलाइज करेगी। तो ये सारे हमारे हो गए अजैविक कारक, एबायोटिक कंपोनेंट्स। फिर अगर हम बात करें जैविक कारकों की, तो यहाँ पे कुछ और ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होंगे जिनको ये मछली खाएगी, जिन पे ये फीड करेगी, तो वो सारे सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं और वो दूसरे तरह के जलीय जानवर भी हो सकते हैं, जलीय पौधे भी हो सकते हैं। पौधे कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ धरातल पर उगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो यहाँ पर सरफेस पे उगेंगे, कुछ बेस पे कुछ सरफेस पे, तो वो किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो ये सारे मिलकर के हमारे बनाएंगे जैविक कारक। ये हमने बात करी थी बाहरी वातावरण की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम बात करेंगे इंटरनल एनवायरनमेंट की, तो यहाँ कहा गया है कि बाह्य वातावरण की अपेक्षा ये अधिक स्थिर होता है। बाह्य वातावरण क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो तो बहुत सारे कैरेक्टर्स पे डिपेंड करेगा, जैसे कितने, जैसे हम टेम्परेचर की बात करें तो कितनी सनलाइट यहाँ पहुँच रही है, वो भी तो एक टेम्परेचर डिसाइडिंग फैक्टर होगा। तो एक ही चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, वाइल इन इंटरनल एनवायरनमेंट वो सारी चीज़ें उसके अंदर जो भी हो रहा है मेटाबॉलिज्म वगैरह उस पर डिपेंड करती हैं। फिर किसी भी प्रकार की चोट या कोई भी बीमारी है वो किसे अफेक्ट करेगी, बाहरी वातावरण को कतई नहीं करेगी, दैट विल अफेक्ट द इंटरनल एनवायरनमेंट, वो हमारे अंदरूनी जो भी वातावरण है उसको अफेक्ट करेगी। अब हम कुछ और जानना चाहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ हमारे पास है अजैविक। अजैविक नाम से ही समझ आ रहा है कि जिनमें जीवन नहीं है, तो ये अकार्बनिक होते हैं, इनऑर्गेनिक मतलब इनमें कार्बन नहीं होता है, और निर्जीव होते हैं। इनमें कुछ रसायन भी हो सकते हैं, केमिकल्स हो सकते हैं, जैसे कि गैसेज हो सकती हैं और अलग टाइप के केमिकल्स भी हो सकते हैं, और कुछ प्रक्रियाएँ भी होती हैं, शारीरिक प्रक्रियाएँ जैसे कि बाढ़, मौसम और वेदर कंडीशन, ये सारे भी हमारे अजैविक तत्वों में आते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक हैं जहाँ और कितनी अच्छी तरह से जीव मौजूद है, किस तरह के जीव वहाँ मौजूद होंगे और कितनी अमाउंट में मौजूद होंगे। दे आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ वेयर एंड हाउ वेल एन ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट, एज वेल एज दे विल ऑल्सो डिसाइड कि कौन से टाइप का ऑर्गेनिज्म वहाँ एग्जिस्ट करेगा। अब हम डिटेल में बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं ऊर्जा की, तो सूर्य जो है, सन, वो हमारा मेन सोर्स है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो हमारे ऊर्जा के लिए। फिर पशु जो है वो सूरज से जो हमें एनर्जी मिल रही है सनलाइट, उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लांट्स हैं दे कैन डायरेक्टली यूज़ द सनलाइट, और जो प्रोसेस है जिससे वो
सनलाइट को यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट और सिंथेसिस कोई और प्रोडक्ट, वो सिंथेसाइज करेंगे लाइट की प्रेजेंस में। अब यहाँ हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमें जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को अलग अलग करके दिखाया गया है। ये तो जो हम देखने को मिलता है डे टू डे लाइफ में। फिर यहाँ हमारे पास है केवल अजैविक जो फैक्टर्स है वो, जैसे ये हमें पहाड़ दिख रहे हैं, पानी, ये सॉरी क्लाउड्स दिख रहे हैं, फिर रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, इन सबको अगर हम इंक्लूड करें तो ये सब हमारे कौन से आ गए, एबायोटिक फैक्टर। इस डायग्राम में हमारे पास है केवल बायोटिक फैक्टर्स, मतलब जैविक जो है वो। जैविक की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी ये सारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये ग्रास है, हर्ब्स, ये सब हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं। हर्बीवोर्स जो इन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं वो हो गए हर्बीवोर्स। जो ऑर्गेनिज्म जो हर कार्निवोर वो हो गए जो हर्बीवोर पे डिपेंड करेंगे। इन सबको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये सारे हमारे हैं जैविक फैक्टर। ये सब या तो पौधे हैं या फिर जानवर हैं। अब हम बात करें रेनफॉल की, तो रेनफॉल के बारे में बताया गया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी अपने जीवोम हैं और जिन्हें हम कहते हैं बायोम, उनका क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं वो होते हैं तापमान और वार्षिक विविधता। वार्षिक विविधता में हमारे पास आते हैं, वार्षिक विविधता किस में, वर्षा में। केवल वर्षा नहीं होती यहाँ पे, वर्षा और बर्फ दोनों को इंक्लूड करके, जिसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं हमारे बायोम के टाइप्स को। आगे है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके लिए पानी आवश्यक है। फिर जलीय माध्यम क्या करता है, ये बहुत सारी हमारी जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, अभिक्रियाएं होती हैं, उनमें एक प्रोडक्ट की तरह आता है कभी तो यूज़ में, और कभी कभी सबस्ट्रेट, मतलब जैसे सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो कभी कभी सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट करता है। और पानी शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है। अब हम बात करें तापमान की, तो ये लाइन एनसीईआरटी की है कि यह सबसे पारिस्थितिकी रूप से प्रासंगिक पर्यावरणीय कारक है, मतलब इट इज़ द मोस्ट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, इसका रीज़न मिलेगा हमें यहाँ पर कि तापमान का महत्व क्या है। महत्व से ही तो पता चलेगा कि उसे हम क्यों सबसे टॉप पे रख रहे हैं सारे एबायोटिक फैक्टर्स में। तो आप सबने एंजाइम्स के बारे में ही तो सुना होगा। एंजाइम्स जो होते हैं वो एक तरह के सब्सटेंसेस को दूसरी तरह के सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे हम यूजुअली सब्सट्रेट और प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल होते हैं, और इन सब रिएक्शंस के लिए हमारे पास एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम्स क्या करते हैं, ये जो हमारी रिएक्शंस होती हैं इनकी रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि रिएक्शंस को हमें फास्ट करवानी या स्लो करवानी है, वो सब एंजाइम्स पे डिपेंड करेगा, क्योंकि जो तापमान है वो इन एंजाइम्स की एक्टिविटी को रोक देता है। इसलिए हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, जो भी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं वो सब रुक जाएंगी। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है टेम्परेचर मेंटेन करना। दूसरा, जीवित प्राणियों का वितरण, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी तापमान पर डिपेंड करता है। फिर आता है हमारे पास अगला अजैविक कारक है वातावरण। फिर है बुनियाद, विभिन्न प्रकार के जीवों, बुनियाद मतलब सबस्ट्रेटम के जीवों में सूक्ष्म जीवों, प्रोटोजोआ, कवक, ये सब जो है वो हमारे भूमि में मिलते हैं, सब लैंड में मिलते हैं। जीव स्थलीय या जलीय हो सकते हैं, मतलब वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं या फिर एक्वेटिक भी हो सकते हैं। अब आगे बात कही गई है कि जो लाइफ है वो किसी भी कंडीशन में पॉसिबल है। जैसे कहा गया है एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी पॉसिबल है। कितनी भी कठोर परिस्थितियां क्यों ना हो, लाइफ हर जगह है। जैसे रेगिस्तान की बात करें, बारिश की, अगर बहुत ज़्यादा बारिश की बात करें तो मेघालय, जंगलों की बात करें, गहरे समुद्र में, हर जगह लाइफ प्रेजेंट है। फिर लास्ट एबायोटिक फैक्टर जो हमारे पास है वो है सामग्री। सामग्री को हम क्लासिफाई करते हैं एज अकार्बोनिक, मतलब इनऑर्गेनिक, और दूसरा कार्बोनिक आते हैं। इनऑर्गेनिक में हमारे पास है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सारे हमारे पास है अकार्बोनिक में। आगे है वे विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग सांद्रता में आवश्यक हैं। अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होती है इनकी। ऐसा नहीं है कि ये कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ये अलग ऑर्गेनिज्म है। दोनों को डेली 5 ग्राम ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग कंसंट्रेशन में उनकी उनको फीड करते हैं, वो उस पर डिपेंड करते हैं। फिर हमारे पास आता है लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड, अक्षांश और देशांतर।
ये होता है कि इनका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका तापमान पर बहुत ही मजबूत प्रभाव होता है। इसको हम समझते हैं इस एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या बताया गया है, उदाहरण के लिए तापमान भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर से ध्रुवों की ओर जाने पर घटता है। सॉरी, जैसे ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, यहाँ से जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ, तो तापमान में हमें कमी देखने को मिलेगी। इसी तरह जब हम मैदानों से पहाड़ों की तरफ जाते हैं तो भी हमारा तापमान है वो धीरे धीरे घटता जाता है। यही चीज़ है जिसे इस पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि अक्षांश और देशांतर ये दोनों जो है वो तापमान को बहुत ही इफेक्ट करते हैं। अब हम शुरू करेंगे जैविक कारक। जैविक नाम से ही पता चल रहा है हमें, जैविक जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब आगे है, वे अपने कार्यात्मक विशेषताओं के अनुसार जिस तरह का उनका कार्य है, जिस तरह फंक्शन क्या है उनका, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन है, उसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं प्राथमिक उत्पादक और स्वपोषक। स्व मतलब अपने आप, पोषक मतलब पोषक वर्ड आया है पोषण से, वो अपना पोषण अपने आप बनाते हैं, खुद की जो रिक्वायरमेंट है वो खुद कंप्लीट करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के सभी स्वपोषक उत्पादक हैं, मतलब ऑल ऑटोट्रॉप्स ऑफ इकोसिस्टम आर प्रोड्यूसर्स। जितने भी स्वपोषक हैं अपने, वो सब उत्पादक हैं, मींस दे आर प्रोड्यूसर्स। अब प्रोड्यूसर्स के बारे में और भी बताया गया है कि जो सन से एनर्जी मिलती है उसको ये डायरेक्टली यूज कर लेते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सन एनर्जी को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, इसलिए इन्हें ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी कहा गया है। कन्वर्टर क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों नाम आप याद रखिए, ट्रांसड्यूसर्स एंड कन्वर्टर्स। फिर है कि एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादक कौन कौन है, प्रोड्यूसर्स कौन कौन है, तो वो है हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन है, शैवाल, अल्गी, एल्गी कहते हैं जिसे हम, और कुछ उच्च पौधे। फिर हमारे पास है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उनमें प्रमुख उत्पादक कौन कौन होते हैं, उनमें प्रमुख उत्पादक जो हम देखते हैं हमारे आसपास, घास, वृक्ष, ये सब होते हैं। फिर हमारे पास है वे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति में सरल अकार्बनिक कच्चे माल, जो ये इनके बारे में बताया गया है प्रोड्यूसर्स के बारे में, स्वपोषकों के बारे में, कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में जो अकार्बनिक पदार्थ है इनके पास, जो रॉ मटेरियल की तरह यूज करेंगे, उनको ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये बात हुई हमारी प्रोड्यूसर्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि दूसरे टाइप के कौन से हमारे पास ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे पास है कंज्यूमर, जिन्हें हम कह रहे हैं उपभोक्ता, भक्षपोषी और विषम पोषण जो ये है, ये इनके बारे में कहा है कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थों के लिए उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। जैसे कि हम बात करें, या हमारे पास एक प्लांट है, उसको एक जानवर है जो सीधा खा लेता है, जैसे हम एक बार के लिए मान लेते हैं गाय, और ये एक दूसरा जानवर है जिसे हम मान लेते हैं लायन, ये गाय को खा लेता है। तो जो गाय है वो डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये प्रत्यक्ष रूप से प्लांट पे डिपेंड कर रही है, और जो टाइगर है वो अप्रत्यक्ष रूप से डिपेंड कर रहा है, टाइगर और लायन व्हाटएवर जो हमने एग्जांपल लिया था, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्लांट पे डिपेंड कर रहा है, बट फाइनली उसे डिपेंड तो करना पड़ेगा प्लांट पे, क्योंकि वो जिस पे फीड कर रहा है वो डिपेंड कर रहा है प्लांट पे। तो यही समझाया गया है कि प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य पदार्थों के लिए किस पे डिपेंड करेंगे, हमेशा उत्पादकों पर। प्लांट आर अ टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब हमारे पास टाइप्स हैं इनके, उपभोक्ताओं के प्रकार। सबसे पहले मैक्रो कंज्यूमर्स, मैक्रो और स्थूल भक्षक। मैक्रो, जैसे हम इसके नाम से ही बता सकते हैं कि ये पौधों या जानवर, कि ये पौधों या जानवरों या दोनों पर निर्भर करते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। अब जैसे हम बात करें प्राथमिक भक्षक की, प्राथमिक भक्षक वो होते हैं जो हर्बीवोर, शाकाहारी, ये केवल प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, ये केवल प्लांट्स पे फीड करेंगे। इनके एग्जाम्पल है हमारे पास कीट, इंसेक्ट्स, पक्षी, स्तनधारी मींस मैमल्स, पौधे, परजीवी एक्सेट्रा, ये सब हम पौधे परजीवी मतलब वो पैरासाइट, वो परजीवी जिनके लिए दूसरा जीव कौन है, प्लांट्स हैं, तो वो सब भी हमारे पास क्या होंगे, हर्बीवोर और शाकाहारी होंगे। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंडरी कंज्यूमर की और माध्यमिक भक्षक, ये अपने ये किस पे फीड करेंगे, हमेशा प्राइमरी कंज्यूमर या प्राथमिक उपभोक्ता पे निर्भर करते हैं ये,
और इनके पास इनके लिए हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है पक्षी, मछली, भेड़िया, वेल, पशु परजीवी, ये सब हमारे पास एग्जाम्पल्स आते हैं माध्यमिक भक्ष्य के, ये सब हमें एक बार रफली याद रखने पड़ेंगे। फिर आते हैं हमारे पास शीर्ष उपभोक्ता और मांसाहारी। शीर्ष उपभोक्ता इन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि मोस्टली ये देखने को मिलता है कि दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है वो इन पे फीड नहीं करते हैं, लास्ट में इनकी डेथ ही होती है, नेचुरल डेथ और ड्यू टू एनी अदर डिजीज, बट दे आर नेवर फीडेड अपॉन बाई अदर ऑर्गेनिजम्स। ये द्वितीय उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, सेकेंडरी जो हम द्वितीय किसे कह रहे हैं, हम माध्यमिक भक्षक को ही कह रहे हैं। इसमें एग्जाम्पल है हमारे पास शेर, आदमी, मोर, एक्सेट्रा। ठीक है, अगर हम बात करें आदमी की, ह्यूमन बींग्स की, तो आदमी इनमें से सभी ट्रॉपिक लेवल्स पे आ सकता है, या फिर ये हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कंज्यूमर का उनमें सब पे आ सकता है, एक्सेप्ट कौन सा, प्रोड्यूसर। कंज्यूमर तो हमेशा बन ही सकता है, प्रोड्यूसर या फिर स्वपोषक कभी नहीं हो सकता है, कौन, आदमी, ये ध्यान रखने की बात है। फिर आते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी, सर्वा मीन सब कुछ, मतलब ये सब कुछ भी, किसी भी चीज़ को खा लेते हैं, या मतलब प्लांट, एनिमल या दोनों, कुछ भी खा सकते हैं। इनमें एग्जाम्पल है मनुष्य, मोर, कॉकरोच, कौवा, एक्सेट्रा। ये एग्जाम्पल ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं, तो इन्हें हमें याद रखना चाहिए। फिर हमारे पास आते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स और सूक्ष्म भक्षक, अपघटक और मृत पोषित। मृत पोषित जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई भी डेड लिप ऑर्गेनिज्म है, किसी की भी मृत्यु हो चुकी है, उस पर जो डिपेंड करेंगे वो होगा मृत पोषित। मृत पोषित और अपघटक एक ही बात है, यह जीवों के मृत शरीर को विघटित करते हैं। अब हमारे पास लास्ट में हम बात करते हैं कि हमारे पास मुख्य विघटक कौन है एनवायरमेंट में, वो है हमारे कवक और बैक्टीरिया, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये हमारे मेजर डीकम्पोजर्स हैं। वे पोषक तत्व चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है हमारी, जैसे किसी भी जीव के डेथ के बाद में उसके न्यूट्रिएंट तो सारे वहीं पे रिस्टोर हो जाएंगे, अगर डीकम्पोजर्स नहीं होंगे तो वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब ये तत्व चक्र। फिर है अपघटन की प्रक्रिया के माध्यम से जटिल कार्बनिक पदार्थ जो है, कार्बनिक पदार्थों का ही कन्वर्जन होगा जटिल कॉम्प्लेक्स से साधारण, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जो कन्वर्जन होगा इनका, ये कौन करेंगे, हमारे अपघटन, डीकम्पोजर्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।